Good morning students, today we start our next chapter, chapter 8. Our body and its part, yani hamara sharir aur uske vibhinn bhag. So you open your science book. Let's start now this chapter. In this chapter we see parts of our body, hamare sharir ke kitne parts hote hain. Our body grows aur hamare sharir ka vikas किस प्रकार होता है. Let us have a look at your body and its different parts. अब हम अपने शरीर के यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है जिसमें हम विभिन्न पार्ट्स को देखेंगे कि उसके क्या नाम होते हैं. देखिए सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं. हेड में हमारे क्या होता है? हेयर, फोरहेड, माथा. आईज मीन्स आंखें हमारे फेस पे दो होती है. ईयर, हमारे कान भी दो होते हैं. नोज, नाक एक होती है. चिक, स्किन यानी जो चेहरा होता है, गाल. ये बीच में हमारे नेक होती है. फिर देखिए ये शोल्डर होते हैं जिसे हम कंधा कहते हैं. फिर ये हमारे दो हैंड है. फिर हैंड में क्या होता है? फिंगर होती है, उंगलियां. फिर क्या है ये? पेट, स्टमक, यानी जो भी भोजन हम मुंह से ग्रहण करते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है. ये दो क्या है? लेग्स, यानी ह्यूमन बॉडी में कितने पैर होते हैं? दो. ये क्या है? नी, घुटना. ये क्या है? ही, एड़ी. और ये टो क्या होती है? पैर की उंगलियों को हम टो कहते हैं. अब हम अपने शरीर के विभिन्न पार्ट्स के नेम के साथ साथ उनके वर्ग को भी देखेंगे. खीर बना रही है
और स्किन का हमारे क्या यूज होता है, हमें फील कराते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर बहुत गर्मी है तो हम कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है, ठंडी है तो हमें फील होता है ना कि हाँ बहुत ठंडी लग रही है। तो ये सारे अनुभव हमें किससे होते हैं, हमें अपनी स्किन से होते हैं। नहीं, अब हम गर्दन को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है।